इंडिपेंडेंट टीवी द्वारा ग्राहकों को बताया गया कि 21 अगस्त 2019 को उनके जो भी टीवी चैनल बंद पड़े हुए हैं वो चालू हो जाएंगे, सिग्नल जो भी है वो आ जाएंगे, मतलब 21 अगस्त के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है। आज तारीख हो गई 25 अगस्त, बट इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ना उनके वेबसाइट के ऊपर, ना उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पे, ना ही किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे दिया गया है। उसके साथ साथ ना ही इनका कस्टमर केयर चालू हुआ है, ना कुछ भी चीजें हुई हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करोगे इंडिपेंडेंट टीवी, तो आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में। कोई आपको बता रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी सेट कर दो, कोई कह रहा है कि ऐसे कर लो, कोई कह रहा है कि ये काम मत करो, कोई कह रहा है कि आप ये टीपी सिलेक्ट कर लो। दोस्तों, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप लोग इनमें से कोई भी काम मत कीजिए, पहले आपने मास्टर सेट कर लिया है। आप एक बात बताइए, जो लोग वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि टीपी सेट कर लो, सिग्नल अच्छा जा रहा है और स्ट्रेंथ अच्छी हो जा रही है, क्या उसके बाद टीवी चल रहा है आपका? नहीं चल रहा है ना। जब टीवी आपका चल ही नहीं रहा है तो सिग्नल और टीवी चेंज करने का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, हर डीटीएच कंपनी को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट किया जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी पे एक डीटीएच को पहले से चलने के लिए बोला गया था और उनको लाइसेंस दिया गया था, उसी के ऊपर वो अपना सिग्नल को चला सकते हैं, उसी के ऊपर अपने सिग्नल को अपलोड कर सकते हैं और वहीं पे आप अपना टीवी देख सकते हैं। लेकिन आपको YouTube के ऊपर बताया जा रहा है कि ऐसे सिग्नल चेंज कर लो, ये फ्रीक्वेंसी पर लगा लो। पहले भी काफी सारी वीडियोस के ऊपर बनी थी जिसके अंदर बताया जा रहा था 30,000 को चेंज करके 29,500 करो तो सन डायरेक्ट वाला आ जाता है। दोस्तों, कभी भी आपका टीवी इस तरीके से चालू नहीं होने वाला है जब तक इंडिपेंडेंट टीवी अपना जो भी इश्यू है सेटेलाइट में वो ठीक नहीं कर लेती है, और जब तक अपना जो भी उनका सिग्नल है उसको लिंक करके, जो मुंबई से या बेंगलोर से जो उनका अपलिंक स्टेशन है उसको सही करने के बाद जब तक अपलोड नहीं करती है और आपके सेटअप बॉक्स वगैरह जितने भी है उनको अपडेट नहीं करती है, तब तक आप कुछ भी नहीं देख सकते अपने ऊपर। आपके टीवी के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी चीज वो बता रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं, तो मैं आपको फाइनली ये बताने वाला हूं कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, मैं बार बार वीडियो यही बना के डाल रहा हूँ, गुमराह आप लोगों को किया जा रहा है। आप लोग यूट्यूब पे उनके वीडियो को देखना बंद कर दो, क्योंकि वो डेली वीडियो डाल रहे हैं और फालतू के वीडियो हो रहे हैं, उनके ऊपर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, ब्रॉड वे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि इंडिपेंडेंट टीवी सपोज अभी चालू हो जाता है अगस्त में, जो कि कोई ठीक नहीं है कब चालू होगा, कल भी चालू हो सकता है, एक महीना और लग सकता है। काफी लोग रुके हुए हैं, मैं भी रुका हुआ था, मैंने वैसे चेंज करा लिया है आज की डेट में, लेकिन काफी टाइम से मैं रुका हुआ था। मैंने जैसे बोला था आप लोगों को, मैंने टाटा स्काई लगवा लिया है, लेकिन जो लोग रुके हुए हैं, अब जिसने एक महीना का सर्विस लिया है वो तो रुकेंगे ही रुकेंगे क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा हुआ है। लेकिन जरा एक लॉजिक से सोचिए कि इंडिपेंडेंट टीवी का जो भी आप ये जानते हैं कि उनका जो लाइसेंस है वो 31 दिसंबर 2019 तक दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा है, मतलब कि 31 दिसंबर के बाद उनको फिर से रिन्यू करना है अपना लाइसेंस। आज की डेट में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पेमेंट कर सके किस चीज के लिए, कि जो उनका टीटसेट में चल रहा है मामला अंतरिक्ष जो पेमेंट करना 12 करोड़ रुपए, वो नहीं देने के लायक है इनके पास। अब देखो, जो कस्टमर पहले के बैठे हुए हैं उन लोगों का पैसा अटका हुआ है, तो इंडिपेंडेंट टीवी के पास जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब वो होने वाला ही नहीं है। आज की डेट में कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा आने वाले 3 से 4-5 महीने में। आज की डेट में जब उनके पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं, तो ये कैसे सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में? कल को डीटीएच जो है जियो लेके आ रहा है अपना सब कुछ सिस्टम, और जो शहर के अंदर इंडिपेंडेंट जो लगे हुए हैं वहां पे तो बिल्कुल नहीं चल रहा। जो भी लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं ना, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा रखा हुआ है, वो सारे लोग आने वाले टाइम के अंदर अगर उनको जियो का ऑप्शन दिया जाएगा तो 700-800 हजार में उनको प्लान मिलेगा, वो 100% स्विच कर जाएंगे, क्योंकि 700-800 रुपए वो पहले से दे रहे हैं इंटरनेट के लिए और 300-400 रुपए डीटीएच के लिए, तो 1,000 रुपए में उनको जियो मिल जाएगा और जियो में स्विच कर जाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट टीवी किसी भी हालत में अपने सर्विसेज को ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि तो फालतू के वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग इस आशा में मत रहिए कि इंडिपेंडेंट टीवी चालू हो जाएगा तो आप लोग समस्याएं हल हो जाएंगी। कभी भी किसी भी तरीके से कभी भी बंद हो सकता है ये, कभी भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इसका, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके प्रोप्राइटर्स का कुछ भी पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। मान लो किसी ने प्रोप्राइटरशिप ले भी लिया, किसी ने कंपनी खरीद भी ली, तो कंपनी के पास पैसा होगा तब तो कंपनी चलेगी ना। पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है इंडिपेंडेंट टीवी के पास। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपना जो भी सेटअप बॉक्स को चेंज कर लीजिए। अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट कीजिए, लेकिन लॉन्ग लास्ट नहीं होने वाला इंडिपेंडेंट टीवी, मैं आपको ये बता देता हूँ आपको पहले। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना जरूरी था। रिफंड वगैरह का प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप तक लेके आऊंगा, और भी चीजें आएंगी उसको मैं लेके आऊंगा आप तक। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है जो मैंने बातें बताई या नहीं। उसके बाद शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को जितने भी लोग जानने वाले इंडिपेंडेंट टीवी देखते हैं, क्योंकि वो लोग फालतू वीडियो देख रहे हैं और उन लोगों को रोज का रोज देखते हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। टीपी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।